दोस्तों, मैं आज आपको सुनाऊंगा एक बुलंद हौसलों की कहानी। बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी है। वीडियो को पूरा जरूर देखें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो मुसीबतें हमारी ज़िंदगी की एक सच्चाई है। कोई इस बात को समझ लेता है तो कोई पूरी तरह ज़िंदगी इसका रोना रोता रहता है। ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमारा सामना मुसीबतों से होता है। इसके बिना ज़िंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती। अक्सर हमारे सामने मुसीबतें आती तो हैं, हम उनके सामने पस्त हो जाते हैं। उस समय हमें कुछ समझ नहीं आता क्या सही है और क्या गलत। हर व्यक्ति का परिस्थितियों को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। कई बार हमारी ज़िंदगी में मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। उस कठिन समय में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग संभल जाते हैं। मनोवैज्ञानिक के अनुसार इंसान कभी भी प्रॉब्लम को दो तरीकों से देखता है, प्रॉब्लम पर फोकस करके या फिर सॉल्यूशन पर फोकस करके। जो लोग प्रॉब्लम्स फोकस पीपल्स होते हैं सो अक्सर मुसीबतों में ढेर हो जाते हैं। इस तरीके के इंसान किसी भी मुसीबत में उसके हल की बजाय उस मुसीबत के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। वहीं दूसरी ओर सॉल्यूशन फोकस पीपल मुसीबत में उसके हल के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। इसी तरह के इंसान मुसीबतों का डट के सामना करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक महान सॉल्यूशन फोकस इंसान की कहानी शेयर करने जा रहा हूं, जो आपको किसी भी मुसीबत में लड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। दोस्तों, आपने नेपोलियन का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, नेपोलियन, जो फ्रांस के एक महान लीडर और साहसी शासक थे, जिनके जीवन में असंभव नाम का कोई शब्द ही नहीं था। इतिहास में नेपोलियन को विश्व के सबसे महान और अजय सेनापतियों में से एक में से गिना जाता है। वह इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से माने जाते हैं। उसके सामने कोई रुक नहीं पाता था। नेपोलियन अक्सर जोखिम भरे काम किया करते थे। एक बार उन्होंने आल्पस पर्वत को पार करने का ऐलान किया और अपनी सेना के साथ चल पड़े। सामने एक विशाल और गगनचुंबी पहाड़ खड़ा था, जिस पर चढ़ाई करना असंभव था। उसकी सेना में अचानक हलचल की स्थिति पैदा हो गई, फिर भी उसने अपनी सेना को चढ़ाई का आदेश दिया। पास में ही एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उसने जैसे ही यह सुना, वो उसके पास आकर बोले कि क्यों मरना चाहते हो? यहाँ जितने भी लोग आए हैं वो मुंह की खाकर ही गए हैं। अगर अपनी ज़िंदगी से प्यार है तो वापस चले जाओ। उस औरत की यह बात सुनकर नेपोलियन नाराज होने की बजाय प्रेरित हो गया और जट से अपने हीरो का हार उतार कर उस बुजुर्ग महिला को पहना दिया और फिर बोले, आपने मेरा उत्साह दुगना कर दिया है और मुझे प्रेरित किया है, लेकिन अगर मैं जिंदा बचा तो आप मेरी जय जयकार करना। सो उस औरत ने नेपोलियन की बात सुनकर कहा, तुम पहले इंसान हो जो मेरी बात सुनकर हताश और निराश नहीं हुए। जो करने या मरने और मुसीबत का सामना करने का इरादा रखते हैं, वह लोग कभी नहीं हारते। आज सचिन तेंदुलकर को इसीलिए क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ज़रूरत के समय ही अपना शानदार खेल दिखाया है और भारतीय टीम को मुसीबतों से उभारा। ऐसा नहीं कि यह मुसीबतें हम जैसे लोगों के सामने ही आती हैं। भगवान राम के सामने भी मुसीबतें आई हैं। विवाह के बाद वनवास की मुसीबत, उन्होंने सभी मुसीबतों का सामना आदर्श तरीके से किया, तभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए जाते हैं। मुसीबतें ही हमें आदर्श बनाती हैं। अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, ज़िंदगी में मुसीबतें चाय के कप में जमी मलाई की तरह हैं, और कामयाब लोग वो हैं जिन्हें फूंक मार के मलाई को साइड करके चाय पीना आता है। सो ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम जल्द ही आपके लिए एक नई मोटिवेशनल वीडियो लेके आएंगे।